एवरीवन, दिस एमयूज म्यूजिक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें पीजीटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्चुअल का जो वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ना उसको डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो आज मैं देखते हैं इसमें कितरेवट में किन चीज़ों का मिश्रण होता है। तराना का होता है, पखावज का होता है, पखावज भी हो सकता है, तबला भी हो सकता है, और कविता और सभी। तो इसका आंसर आएगा सभी। ठीक है, रिवर्ट में सभी का होता है, पखावज के बोल भी हो सकते हैं, तबले की भी हो सकते हैं, तराना हो सकता है, कविता हो सकती है। ठीक है, तीनों ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, चतुरंग में कितनी वस्तुओं का मिश्रण है, चार, छः, तीन या फिर दो। चतुरंग आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हो कि कितनी वस्तुओं का मिश्रण होगा इसमें, तो इसमें है चार वस्तुओं का मिश्रण। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं, ख्याल के शब्द हो सकते हैं, साहित्य हो सकता है, तराना हो सकता, तबला या पखावज के बोल तथा सरगम। और इसको किसकी तरह गाया जाता है, ख्याल की तरह गाया जाता है। राग में प्रयोग किए जाने वाली स्वरों की रचना क्या कहलाती है, चतुरंग, त्रिवर्त, स्वर मालिका या कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा स्वर मालिका। ठीक है, स्वर मालिका। अगला आता हमारा कि सूराव्रत का संबंध किससे है, ध्रुपद से, त्रिवर्त से, चतुरंग से या स्वर मालिका। तो इसका आंसर आएगा स्वर मालिका। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लक्षण गीत के कितने भाग होते हैं, लक्षण गीत के कितने भाग होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, स्थाई और अंतरा। अगला आता हमारा लक्षण अंग जो है किस अंग के गाए जाते हैं, वैसे तो ये ज़्यादातर ख्याल अंग के गाए जाते हैं, अगर ऑप्शन में ख्याल ही पहले भरोगे, लेकिन ये ध्रुपद अंग के भी देखने को मिलते हैं, तो बी और सी दोनों ही होगा। जिस स्थान में स्वरों का क्रम एक सा हो उसको क्या कहते हैं, उसको शुद्ध तान कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जिस स्थान में स्वरों का क्रम टेढ़ा मेढ़ा हो उसे कौन सी तान कहते हैं, सपाट, शुद्ध, वक्र या कूट, कूट तान कहते हैं उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किस ताल में धक्का लगाते हुए तान ली जाती है, खटके की तान, इसका आंसर मैंने दे ही दिया है, खटके की तान जो होती है उसमें धक्का लगाते हुए तान ली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जब कोई तान दुगनी चाल में चल रही है और उसके बाद उसकी गति बदल जाए तो उसे कौन सी तान कहते हैं, उसे झटके की तान कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सारे गांव पादा नीसा करके फिर दुगुन कर रहे हैं, फिर चौगुन कर रहे हैं, तो ये झटके की तान है। अब ये क्या है, सरोग क्या है, सरोग का संबंध किससे है, गमक, तान, अलंकार या कोई नहीं। क्या है सरोग, देखो सरोग जो है ना ये तान है, अलंकार गलत नहीं, गलत है, तान का प्रकार है सरोग। अब ये सरोग कौन सी तान होती है, इसमें चार चार स्वरों को लिया जाता है, जैसे सारेगामा, रेगामापा, गामा धनी या फिर पादानी सभी कर सकते हो, चार स्वर होने चाहिए, वो सरोग मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अहोबल ने गमक के कितने प्रकार बताए, आपको पता ही होगा संगीत परिजात में 20 बताए उन्होंने, शारंगदेव जो थे उन्होंने 13 बताए हैं, और दक्षिण संगीत में शारंगदेव ने 15 बताए हैं, और दक्षिण संगीत में हमें कितने गमक देखने को मिलते हैं, 10 गमक देखने को मिलते हैं। तो गमक पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था, सुंदर ढंग से मुड़ना आदि को क्या कहते हैं, गमक कहा जाता है उसको, सुंदर ढंग से मुड़ने को। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, चार या चार से अधिक स्वरों को की गोलाई जब बनाते हुए द्रुत गति को दिखाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको खटका कहा जाता है, चार या चार से अधिक स्वरों को जब गोलाई दिखाते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, अहोबल ने प्रबंध की कितनी धातुओं की चर्चा की है, आप सभी को पता प्रबंध की धातुएं में से चार है, उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक, आभोग, लेकिन उन्होंने पांच मानी है, उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, आभोग और अंतरा। ध्रुव जो है वो अंतरा ही होता है, याद रखिएगा। अब आता है, अहोबल ने प्रबंध के कितने प्रकार माने, तो इन्होंने तीन माने, कौन कौन से माने, एक माना सूड प्रबंध माना है, एक आलिक्रम प्रबंध माना और एक विपकिरण, आलिक्रम और विपकिरण। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अहोबल ने विकृत स्वर कितने माने, मैंने ये क्वेश्चन कल गलत मेंशन कर दिया था, टोटल उन्होंने 29 माने हैं, 22 विकृत और 7 शुद्ध। राग मारवा में किस स्वर पर न्यास किया जाता है, ग और नी पर, और इसका अगर संप्राकृतिक राग पूछा जाए तो पूरिया है। राग मीरिया मल्हार की क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है, कि ये दोनों निषादों के पास प्रयोग किया जाता है, ये दोनों निषादों का इसमें पास प्रयोग किया जाता है, राग मीरिया मल्हार की विशेषता है। अब मियाँ मल्हार की थाट क्या है, काफ़ी है, इसकी ट्रिक आप ऐसे बना सकते हो कि मियाँ जी को कॉफ़ी पिला दो, ऐसे कुछ करके आप कर सकते हो कि मियाँ मल्हार की थाट अगर आपको याद करनी है तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, कॉफ़ी करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, साधा नीपा माँ यह किस राग की विशेषता, ये मियाँ मल्हार की है। ठीक है, साधा नीपा माँ मियाँ मल्हार की विशेषता है, साधा नीपामा यह किस राग की विशेषता है, तो इसका आंसर जो आएगा वो मियाँ मल्हार आएगा। इसकी जाति अगर पूछी जाए तो इस जाति भी पूछ सकते हैं, तो इसकी जाति जो आती है वो ओड़ा संपूर्ण आती है, अगर इसके टाइमिंग पूछी जाए तो इसका दिन का तीसरा पहर आता है, दिन का तीसरा पहर आता है, जाति अगर पूछी जाए तो ओड़ा वोड़ा वह है, और समय जो पूछा जाए वो दिन का तीसरा पहर है।
अगला क्वेश्चन हमारा था, तानसेन जी का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था तन्ना मिर्शी, या फिर इनको रामतन्नी बोला जाता था। सेनिया घराने के ये मूल पुरुष माने जाते हैं। सेनिया घराने का इन्होंने किया था स्थापना, जो कि सितार का है, तंत्री वाद्य का घराना है। रबाब भी उसमें प्रयुक्त होता है, क्योंकि तानसेन जी का प्रिय वाद्य रबाब था। तानसेन समकालीन जो थे वो बैजू बावरा थे। 1586 में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। वैसे कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन उनकी समाधि दिल्ली में है। लेकिन अगर बाद में इनको ट्रांसफ़र मकबरा, इनको इनका मकबरा ग्वालियर में बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर इनके जो मोहम्मद गोस थे वहाँ पर उनकी समाधि है, तो उन्हीं के साथ इनकी समाधि बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा था कि सॉरी ये क्वेश्चन है इसी का ही है कि ये श्री गणेश स्तोत्र ग्रंथ ये जो है ये तानसेन जी का है। तानसेन जी के अगर गुरु पूछे जाए तो हरिदास जी आते हैं, हरिदास। अगला क्वेश्चन हमारा था कि तानसेन द्वारा निर्मित रागे अगर पूछी जाए तो कौन कौन सी है? मियाँ मल्हार है, दरबारी कहरड़ा है, मियाँ की तोड़ी है। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इनके समकालीन अगर पूछा जाए तो कौन है? बैजू बावरा माने जाते हैं। और तानसेन को कौन सी उपाधि मिली थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि मिली थी। और इनकी जो वाणी मानी जाती है वो गोबरहार वाणी मानी जाती है। अब इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो मुकुंद शर्मा। इनके एक पुत्र अगर पूछा जाए तो चार हैं। बेटे का नाम अगर पूछा जाए तो सरस्वती है। पुत्रों के नाम अगर पूछा जाए तो चार पुत्र हैं इनके, सूरत सेन, हमीर सेन, तानरस खान और सरस सेन। ये सभी सेनिया घराने का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था तानसेन के बाद, क्योंकि तानसेन जो थे उन्होंने सेनिया घराने की नींव रखी थी, जो कि सितार और तंत्री वाद्यों का घराना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भातखंडे द्वारा निर्मित ग्रंथ जो है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कितने भागों में उल्लेखित है? ये चार भागों में उल्लेखित है। और भातखंडे का कॉलेज अगर पूछा जाए तो मैरिस म्यूजिक कॉलेज है। मैरिस म्यूजिक कॉलेज जो है वो भातखंडे जी का है। अगला क्वेश्चन हमारा था क्रमिक पुस्तक मल्लिका के कितने भाग हैं? इसके छः भाग हैं। चार भाग तो पहले प्रकाशित हो गए थे, लेकिन जो इसके दो भाग और थे वो बाद में प्रकाशित हुए थे आफ्टर तानसेन जी के डेथ के, भातखंडे जी के डेथ के। क्रमिक पुस्तिका मल्लिका के दो भाग आफ्टर डेथ पब्लिश्ड किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये 23 है, तबले का कौन सा भाग डुग्गी कहलाता है? तबले का जो दाहिना भाग होता है वो डुग्गी कहलाता है। और ये किसका बना होता है? शीशम की लकड़ी का बना होता है। डुग्गी याद रखिएगा, दाहिना। लेकिन डग्गा जो होता है वो बायां कहलाता है। और अगर ये दाहिने तबले का पूछा जाए कि कौन सी लकड़ी का बना होता है, शीशम की लकड़ी का बना होता है। बायां जो होता है वो तो आपको पता है स्टील और लोहे का भी बना होता है। कहीं कहीं पे तो वो मिट्टी का देखने को भी मिलता है, क्योंकि पहले जो होता था मिट्टी का बनाया जाता था, वो बायां जो होता था मिट्टी का होता, देखोगे आप उसको मिट्टी के भी बनाए जाते थे। और ये स्टील और लोहे के बने होते हैं। और पंजाब में क्या है कि वहाँ पे स्याही के स्थान पर आज भी आटा लगाते हैं उसके अंदर। अब आता है तबले पर स्याही और किनारे के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? उसको मैदान बोलते हैं या लव बोलते हैं? अगर लव भी देते तो भी सही है, मैदान देते हैं तो भी सही है। वैसे तो लव दिया जाता है ज़्यादातर, फिर भी आपको याद रखना है तबले पर जो स्याही होती है उनके किनारे के बीच का भाग जो होता है वो मैदान या फिर लव कहलाता है। और तबले पर स्याही के स्थान पर आटा जो है वो पंजाब में आज भी प्रयुक्त होता है। तबले के बीच में जो काले रंग का भाग होता है वो क्या कहलाता है? स्याही कहलाता है। और ये किसका बना होता है? ये लोहे के चूर्ण का बना होता है। गेहूं का भी बना होता है, लोहे के चूर्ण का भी, आजकल लोहे के चूर्ण का ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो तबले के बीच में जो काले रंग का भाग होता है वो स्याही कहलाता है, आपको इतना याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेते किसका बना होता है, तो लोहे के चूर्ण का बना होता है वो। अगला क्वेश्चन हमारा आता है तबले में बजने वाले जो स्वर समूह होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोल बोलते हैं। खुले बोल जो होते हैं वो परन में यूज़ होते हैं, खुले बोल जो होते हैं परन में यूज़ होती है। परन जो है वो द्रुत लय में बजाया जाता है, क्योंकि उसमें एक सर्कल सा बनाना होता है, चक्रदार सा बनाना होता है। परन जो है वो द्रुत लय में बजाया जाता है। और लग्गी जो है वो कहरवा ताल में प्रयुक्त होती है और भजन वगैरह में चलती है वो ज़्यादा। अब 26वां आता है खुले बोल किस में प्रयुक्त होते हैं? परन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। खुले बोल जो होते हैं वो परन में प्रयुक्त होते हैं। रेला जो होता है वो भी द्रुत लय में बजाया जाता है। तबले से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेला कौन से लय में बजाया जाता है? तो द्रुत लय में बजाया जाता है, इतना याद रखना। खुले बोल किस में प्रयुक्त होते हैं? परन में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है तिहाई के कितने प्रकार हैं? दो ही प्रकार माने जाते हैं तिहाई के, बेदम की तिहाई आती है और एक दमदार तिहाई आती है। बेदम की तिहाई और एक दमदार तिहाई। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए TGT और PGT से रिलेटेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में दे सकती हूँ। 28वां आता हमारा अटूट ध्वनि जो एक स्वर से दूसरे स्वर की ओर जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको मीड कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम सा से सा तक जाते हैं ये भी मीड है, सा से अगर रे पर जाते हैं तो भी मीड है। अगर मध्य सा से अगर हम ताड़ सा तक जाते हैं तो ये भी एक मीड है। जैसे पा रे की मीड यम राग में ली जाती है, पा से हम सीधा रे पर आते हैं तो वो भी एक मीड है।
अब देख सा से रे पर जाना, ये क्या है? ये मीड है। सा से पा पर अगर पूछा जाए तो भी ये मीड है। बीच में स्पेस देते हुए जब स्वरों को जाते हैं तो उसको मीड बोला जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर भी। थैंक यू।